प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई के घाटकोपर में राजीव गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करके शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत, विधायक आरिफ नसीम खान और साथ ही यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन ईशान मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया। ये आज गणेश यादव बम्बई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और वैभव धनावड़े हमारे जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए हम सबको न्योता मिला था राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य में और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है और युवाओं में जो जोश दिखता है और जो नरेंद्र मोदी जी के खोखले वायदे और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वायदे और लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है पिछले 4.25 सालों में, आज की इस भारी संख्या से ये दिखता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोग आज से काम पर लग जाएंगे। हमने जैसे कई उदाहरण हमारे सभी साथियों ने आपके सामने रखे कि राजीव गांधी जैसा व्यक्ति आम तौर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह का व्यक्ति मिलना असंभव ऐसा लगता है। बहुत सारे किस्से सबके साथ सबका अनुभव है कि भाई जो अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं कि अपनी जबान पर खरे उतरना, अक्सर राजनीति में रहने वाले लोगों को बदनाम किया जाता है कि बोलते एक है करते दूसरे हैं। राजीव गांधी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे और यही सीख लेकर हम सभी लोग लोगों के साथ में जब भी मिलते जुलते हैं, जो काम जो वायदा पार्टी ने वचननामे में किया होता है, चुनाव लड़ते समय बोला रहता है या हारने के बावजूद, हमारे सारे प्रत्याशी अपने अपने इलाके में लोगों की सेवा में दिखते ही है, यही राजीव गांधी की सोच थी। बिल्कुल, राज्य सरकार ने 8 से 10 हज़ार करोड़ का नुकसान बताया है। एक सेंट्रल टीम, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष ने तो कहा है नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करना चाहिए ताकि पैसे हम दे सके केंद्र सरकार की तरफ से। 48 घंटे हो गए, 4-5 दिनों से लोग वहाँ पर त्रस्त है बेचारे। 14 जिलों में 13 जिले डूबे हुए हैं, हज़ारों लोगों को बचाया गया है आर्मी के नौजवानों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया है। उनकी प्रशंसा भी करने की आवश्यकता है, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी और इंडियन आर्मी ने भी, लेकिन जल्द से जल्द उनको राहत मिले। हम लोगों ने भी अपील किया है और हम उसी काम में लगेंगे कि केरल के साथियों को जो भी कपड़े हो, बर्तन हो, फूड ग्रेन्स हो या पैसा हो, ऑफिशियल केरला गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ हैं उनके मार्फत उनको पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे। कामत साहब, हम सब के तो नेता है ही, बट उन्होंने जैसे कहा कि राजीव जी ने उनकी एक लीडरशिप रेडी की थी आज एक देश के अंदर, राजीव जी ने जो नए लोगों को चांस दिया था उसके एक नतीजा कामत साहब है, तो आज उन्होंने जो दिल से बातें राजीव जी के बारे में कही वो युवाओं को सुनने की ज़रूरत थी, और राहुल जी जैसे हम लोगों को मौका दे रहे हैं वैसे राजीव जी ने उनको मौका दिया, तो हम समझते हैं कि कामत साहब से बेहतर आज राजीव जी के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होता, इसके लिए उनको आज बुलाया था हमने। वैभव धनावड़े के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट जिले में जो कार्यक्रम लिया गया राजीव एक सोच, मेरी समझ ये है कि आज जो युवाएं बाहर निकल कर आई है वो राजीव जी ने जो उनको मौका दिया, 21 से 18 साल वोटिंग राइट्स बदल दिया, IT रेवोल्यूशन लाई, कंप्यूटराइजेशन किया, मोबाइल फोन्स की उपलब्धि सब देश में अगर आज हुई तो उसके कारण वो है। तो आज ये जो काम उन्होंने किया उसके वजह से आज युवाओं को जो मौका मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है और लोग आगे बढ़ रहे, देश की आधुनिक नींव जो उन्होंने डाली आज हमको उसका फल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आज इतने जनता उनके प्यार में उनके जयंती को मनाने इतने सारे संख्या में युवाएँ आए हैं मुझे ऐसा लगता है। लोगों का प्यार है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने काम करते हैं, भले जो सरकार अभी चल रही है वो बदनाम करने का काम करती रही, कांग्रेस को बोलती रही कि 60 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को ये मालूम है, दिल के अंदर है कि कांग्रेस ने ही ये सब किया हुआ है, और जो राजीव जी की सोच थी वो युवाओं तक पहुँचाने का काम हमें और करना है नए लोगों के, इसलिए सबने ये संकल्प लिया है ईशान्य मुंबई जिला युवा कांग्रेस ने कि राजीव जी की जो युवाओं के लिए सोच थी वो युवाओं तक पहुँचानी है, और इसीलिए भारी तादाद में यहाँ पर युवा आए थे और वो आने वाले समय में वो सोच पहुंचाने का काम करेंगे।
देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबका विरोधी पक्ष हो या कोई भी नेता हो, लेकिन सबको एक सम्मान देने का काम करती है। वो राजनीति एक अलग जगह पे होती है, उनका विरोध एक अलग जगह पे रहता है, लेकिन एक सम्मान देने का काम करते हैं। वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनका देहांत हुआ, कहीं ना कहीं देश को क्षति पहुंची है, तो उनका भी एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हम करेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। वो भले विपक्ष में रहे हो, उनकी एक विचारधारा अलग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री थे, उस हिसाब से हमने उनको रखा।